तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय YT चैनल हेयर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको इसमें ये बताने वाला हूँ कि आपको वीवो का लुक आखिर Xiaomi में किस तरीके से यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है, यानी कि फन टच OS का पोर्ट यहाँ पे Redmi Note 7S के लिए आ चुका है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में इस वाली रोम का यहाँ पर फुल रिव्यू देने वाला हूँ, वीवो ऑन Xiaomi की, हमें इसमें यहाँ पर क्या क्या चेंजेस देखने के लिए मिल जाते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले, अगर आपने मेरा अभी तक YT चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब जल्दी से मेरा YT चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिए और शेयर भी कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को अब हम यहाँ पे शुरू कर लेते हैं। तो हम जब इसकी लॉक स्क्रीन में देखते हैं तो हमें इसमें इस वाली उसकी लॉक स्क्रीन का लेआउट इस तरीके से यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। और इसके साथ आप जब अपनी होम स्क्रीन में जाएंगे तो आपको होम स्क्रीन में इस तरीके से यहाँ पे क्लॉक देखने के लिए मिल जाएंगी और आपको इसमें विजिट्स का भी सपोर्ट इस वाली रोम में देखने के लिए मिल जाता है। तो हम बात कर लेते हैं कि इसके पावर मेन्यू की, कि हमें इसमें पावर मेन्यू इस तरीके से यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। एमरजेंसी पावर ऑफ, फ्री स्टार्ट, इसके नीचे आपको डिवाइस कंट्रोल्स जो कि हैं ये वाला फीचर एंड्रॉयड 11 का हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। तो इसके बाद हम यहाँ पे आप बात कर लेते हैं इसके वॉल्यूम पैनल्स की। तो वॉल्यूम पैनल्स हमें इसको इस वाली रोम में भी ये वाले ही देखने के लिए मिलते हैं जो सभी एंड्रॉयड 11 की रोम्स में यहाँ पर देखने के लिए मिल जाते हैं। और इसके साथ आप जब यहाँ से अपना ऐप ड्रॉअर ओपन करेंगे तो ऐप ड्रॉअर में आपको सबसे ऊपर ऐप्स और ऐप्स के साइड में आपको एक नया ऑप्शन जिसका नाम विजिट्स है, आपको वो देखने के लिए मिल जाता है। तो ऐप्स में आपको ये सारे ऐप्स मिलते हैं, सेटिंग्स, क्लॉक, फ़ोन, कॉन्टैक्ट्स, ये सारे ऐप्स आपको इसमें देखने के लिए मिल जाते हैं। तो इसमें गेम स्पेस किस तरीके से मिलता है वो मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ। तो आपको इसमें वीवो की रोम में इस तरीके से यहाँ पर ये वाला गेम स्पेस यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। तो इसको ओपन करने के बाद आपको इसके दोनों ऑप्शंस पे क्लिक करके कंफर्म पे टैप कर देना है और टैप करने के बाद एग्री एंड कंटिन्यू आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो आपको सिंपली उस पे क्लिक करना है और उस पे क्लिक करने के बाद आपको अब इसमें इस तरीके से लेआउट देखने के लिए मिल जाएगा। गेम स्पेस आपको सबसे ऊपर आपका CPU, GPU, टेम्परेचर, आपका मोबाइल जो भी गेम्स खेलते समय हो रहा है आप इसको यहाँ से बहुत ईजीली ऐड कर सकते हैं। और इसके नीचे आपको सेटिंग्स का ऑप्शन मिलेगा। सेटिंग्स के ऑप्शन में आपको, तो आपको इसमें सेटिंग्स में ये सारे ऑप्शंस मिलते हैं, अनेबल साउंड इफ़ेक्ट्स, ऑटो अपडेट, डाटा, वाईफाई, यूज़र एग्रीमेंट और प्राइवेसी स्टेटमेंट, आपको इसमें ये सारे लेआउट देखने के लिए मिल जाते हैं। और इसके पीछे आपको टॉप राइट में गेम्ड डाटा भी यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। तो आप जब इस पर टैप करते हैं तो आपको इसमें टोटल ड्यूरेशन कि आपने जितने भी गेम 7 दिन में खेले हैं आपकी इसमें टोटल ड्यूरेशन, डाटा, स्टैटिस्टिक्स, आपको इसमें ये सब यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। ड्यूरेशन आपकी कितनी गेम की, कितनी देर तक आपने वो गेम यहाँ पर खेला है। तो आपको इस वाली रोम में फन टच OS पोर्ट गेम स्पेस में ये सारे चेंजेस यहाँ पर देखने के लिए मिल जाते हैं। और इसके साइड में आपको एक एप्लीकेशन मिलती है जिसका नाम है आई मैनेजर। तो ये आई मैनेजर क्या है वो भी मैं आपको इसमें शुरू से ओपन करके दिखा देता हूँ। तो आपको सिंपली एग्री पे टैप करते जाना है। एग्री पे टैप करते समय आपको इसमें 3 बार नोटिफिकेशन आपकी पूछेगा, तो आपको सिंपली 3 बार इस पर टैप कर देना है। तो ये आई मैनेजर असल में वीवो की रोम का सिक्योरिटी ऐप, जिसे आप कह सकते हैं जैसे Xiaomi के मोबाइल्स में सिक्योरिटी एप्लीकेशन सिक्योरिटी नाम से ही देखने के लिए मिलती है। तो ये आई मैनेजर क्या है, आई मैनेजर ओपन करने के बाद आपको इस तरीके से लेआउट मिलेगा। इस तरीके से लेआउट मिलने पर आपको ऑप्टिमाइज, स्पेस क्लीनअप, सिक्योरिटी स्कैन, डाटा ट्रैफिक, ऐप्स एंड नोटिफिकेशंस, ये सब देखने के लिए मिल जाता है। तो ऑप्टिमाइजेशन पर टैप करेंगे तो ऑप्टिमाइज पे टैप करने के बाद आपका ये सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन स्कैन होना शुरू हो जाएगा। क्लीनअप एंड एक्सेलरेट, अपडेट एंड बैकअप, आपका ये इस तरीके से शो हो जाएगा। फिर आपको सिंपली लास्ट में इस तरीके से यहाँ पे डन पे टैप कर देना है। और इस पर टैप करने के बाद स्पेस क्लीनअप आपका इसको आप यहाँ पे क्लीनर भी कह सकते हैं जैसे Xiaomi के डिवाइसेस में
यहाँ पे आपको क्लीनर के नाम से देखने के लिए मिलता है। इसके पीछे आपको सर में सिक्योरिटी स्कैन, आपका मोबाइल यहाँ पे सिक्योरिटी स्कैन को स्कैन करना शुरू कर देगा, तो आप यहाँ से इसको भी इजीली यूज़ कर सकते हैं। और इसके साइड में टॉप राइट में आपको सेटिंग्स का आइकन मिलेगा, सेटिंग्स पे टैप करेंगे तो आपको स्पेस क्लीनअप, सिक्योरिटी स्कैन, सिक्योरिटी फीचर्स, आपको ये सब यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। तो आई मैनेजर में आपको बस इतने ही चेंजेस मिलते हैं, यहाँ पे कोई भी बड़ा चेंज आपको देखने के लिए नहीं मिलता है। और इसके साइड में आपको एक लॉक का ऑप्शन मिलता है, तो आप जब ऐप ड्रॉअर में से लॉक पे टैप करेंगे तो आपका मोबाइल लॉक स्क्रीन में ऑटोमेटिकली चला जाएगा। तो ये वाला कोई यहाँ पे अच्छा फीचर आप इसको नहीं कह सकते हैं, ये बस ऐसे टाइम पास के लिए यहाँ पर ऐड कर दिया गया है। उसी के साइड में आपको सेटिंग्स मिलती है, सेटिंग्स में क्या क्या चेंजेस मिलते हैं वो भी दिखा देता हूँ। सेटिंग्स में आपको नाइट लाइट शेड्यूल अपडेट DND वीवो अकाउंट नेटवर्क एंड इंटरनेट की बात करें तो नेटवर्क एंड इंटरनेट में आपको यही चेंजेस मिलते हैं। बैटरी की बात करें ब्लूटूथ एंड डिवाइस कनेक्शन में तो आपको ब्लूटूथ वीवो शेयर, जैसे कि MI के फ़ोन्स में आपको MI शेयर मिलता है, ऐसे ही आपको इस वाली रोम में वीवो शेयर नाम से भी यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। और ये मेरे हिसाब से केवल वीवो टू वीवो के लिए ही है, लेकिन MI शेयर अब MI टू वीवो, MI टू MI, MI टू ओप्पो, MI टू किसी भी Xiaomi के डिवाइस में आप यहाँ से बहुत इजीली इसको यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक बार यहाँ पे वीवो शेयर ऑन कर दिया है, और वीवो शेयर पे स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको इसमें इस तरीके से लेआउट मिल जाएगा, और आप यहाँ से इसको ईज़िली ऑन भी कर सकते हैं। तो ये वाला भी फीचर बिल्कुल MI जैसा हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। और इसके नीचे आपको स्मार्ट मिररिंग, OTG प्रिंटिंग, एंड्रॉयड ऑटो, ये सभी चेंजेस किए गए हैं। और इसके बाद डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस की बात करें तो डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस में आपको ब्राइटनेस लेवल, अडेप्टिव ब्राइटनेस, प्रोटेक्शन, डार्क थीम, स्क्रीन टाइम आउट की बात करें तो स्क्रीन टाइम आउट आपको इस वाली रोम में भी केवल 10 मिनट्स तक ही देखने के लिए मिलता है, लेकिन Xiaomi के डिवाइसेस में आपको स्क्रीन टाइम आउट यानी कि स्लीप आपको इसमें नेवर तक वहां पर देखने के लिए मिल जाता है। तो इस वाली रोम में भी आपको यहां पर 10 मिनट्स तक ही दिया गया है। और फ़ॉन्ट साइज़, फ़ॉन्ट स्टाइल, स्टेटस बार, आपको ये सभी दिए गए हैं कि आपको इसमें नोटिफिकेशन मेथड किस तरीके से यहाँ पे करना है, आइकन्स, नंबर्स, बैटरी परसेंटेज आपको शो करनी है, डिस्प्ले रियल टाइम, नेटवर्क स्पीड कि आपकी इसमें नेट की कितनी स्पीड आ रही है, और आपको इसके नीचे स्क्रीन रिफ्रेश रेट कि आपको इसमें रिफ्रेश रेट कितना रखना है, 60Hz, 120Hz, स्मार्ट वॉच वगैरह वगैरह, तो आपको इसमें यही चेंजेस मिलते हैं। और इसके नीचे फुल स्क्रीन डिस्प्ले की बात करें तो आपको किसी भी एप्लीकेशन को यहाँ पे फुल स्क्रीन डिस्प्ले में भी यूज़ करते कर सकते हैं, जैसे कि हम Xiaomi के डिवाइसेस में यहाँ पर यूज़ करते हैं। और इसके नीचे आपको लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर, आपको इस वाली रोम में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का भी सपोर्ट है, तो मैंने इसमें ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को ऑन कर दिया है। तो मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ क्या इसमें ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वर्किंग है या फिर नहीं है। तो आप इसमें देख रहे हैं ऑलवेज ऑन डिस्प्ले मैंने ऑन कर दिया है, लेकिन इस वाली रोम में ये वर्किंग नहीं कर रहा है। और इसके नीचे आपको थीम्स मिलेगी, थीम्स में आपको इस तरीके से ही लेआउट मिलेंगे जैसे आपको MI के थीम्स मिलते हैं, बिल्कुल सेम टू सेम आपको यहाँ पर लेआउट दिया गया है, जैसे कि आपको MI थीम्स में मोर के सेक्शन में देखने के लिए मिलता है। तो वॉलपेपर के सेक्शन की बात करें तो वॉलपेपर में आपको ये सारे वॉलपेपर्स, डिफ़ॉल्ट वॉलपेपर्स वीवो के रोम में देखने के लिए मिल जाते हैं। फन टच OS पोर्ट, तो लॉक स्क्रीन सेटिंग्स में आपको लॉक स्क्रीन सेटिंग्स में लॉक स्क्रीन स्टाइल, एड टेक्स्ट ऑन लॉक स्क्रीन, ये सभी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। आप अपनी लॉक स्क्रीन में कोई भी टेक्स्ट यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे अपना नाम ऐड कर दिया है, तो अब मैं इसमें अपनी लॉक स्क्रीन ओपन करके दिखा देता हूँ कि अब मेरा नाम यहाँ पर लिखा हुआ आ चुका है, जिस तरीके से आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो यहाँ पर भी आप इसको ईजिली यूज़ कर सकते हैं, इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम यहाँ से देखने के लिए नहीं मिलने वाली है। और इसके नीचे आपको होम सेटिंग्स, होम सेटिंग्स में आपको होम स्क्रीन स्टाइल कि आपको इसमें होम स्क्रीन स्टाइल ऐप ड्रॉ रखना है या फिर आपको स्टैंडर्ड स्टाइल रखना है, तो ये वाला स्टाइल आपका MIUI 11 का बिल्कुल सेम टू सेम लेआउट आपको इस वाली रोम में दिया गया है। उसके नीचे आपको
होम स्क्रीन लेआउट आपको इसमें ये सारे 4x6, 5x6 ये सभी आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। लॉक लेआउट, स्वाइप डाउनवर्ड्स ऑन होम स्क्रीन, ग्लोबल सर्च, नोटिफिकेशन सेंटर, यहाँ से भी इसको चेंजेस आप बहुत इजीली कर सकते हैं। यहाँ से भी कोई भी प्रॉब्लम आपको देखने के लिए नहीं मिलती हैं। और इसके रीसेंट्स की बात करें तो इसके रीसेंट्स मुझे बहुत पसंद आए हैं। आप इसमें देखेंगे तो आपको इसमें बिल्कुल एनिमेशन के साथ आपके रीसेंट्स ओपन होते हैं। और आप जब इस वाली एप्लीकेशन को इस तरीके से स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन यहाँ पर लॉक हो जाएगी, और इसके बाद फिर से स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपकी अनलॉक हो जाएगी। और आपको इसको रीसेंट से हटाना है तो आपको सिंपली इसको इस तरीके से स्क्रॉल अप करना है, और आपके जब वहाँ पे दो एप्लीकेशन होगी तो आपको इस तरीके से रीसेंट्स में एप्लीकेशंस का लेआउट मिल जाएगा। तो इसके बाद आप जब इस पर टैप करेंगे तो आपकी वापस से ये यहाँ पे ओपन हो जाएगी। और इसके नीचे आपको डायनामिक इफ़ेक्ट्स में आपको एनहेंस डायनामिक इफ़ेक्ट्स आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। चार्जिंग एनिमेशन आपको इसमें ये सारी देखने के लिए मिलती हैं। आपको इसमें चार्जिंग एनिमेशन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आपको इसमें 7 चार्जिंग एनिमेशन का भी सपोर्ट यहाँ पे हमें दिया गया है। इसके साथ साउंड्स की बात करें तो साउंड्स में आपको ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है, वही सेम टू सेम फीचर्स हैं जो आपको शो में मिलते हैं। टैप साउंड्स, डायल पैड साउंड्स, चार्जिंग साउंड्स, स्क्रीन लॉक साउंड्स, टच वाइब्रेशन वगैरह वगैरह, यहाँ पे आपको कुछ भी चेंजेस नहीं किए गए हैं। लेकिन हम जब इसमें सिस्टम अपडेट पर टैप करते हैं तो हमारा सिस्टम अपडेट यहाँ पर ओपन नहीं होता है, यानी कि हमें इसमें यह बग देखने के लिए मिल जाता है। तो ऐप्स एंड नोटिफिकेशंस की बात करें तो आपको ऐप्स एंड नोटिफिकेशंस में ऐप क्लोन, नोटिफिकेशन डिफ़ॉल्ट ऑप, डिफ़ॉल्ट ऐप्स, ऐप क्लोन आपका यहाँ एक तरीके से यहाँ पे आप इसको डुअल ऐप भी कह सकते हैं। तो आपको ऐप्स एंड नोटिफिकेशंस में इसी तरीके से चेंजेस मिलते हैं। इसके नीचे आपको बैटरी, तो बैटरी की बात करें तो बैटरी परसेंटेज आपको इसमें, रिवर्स वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट आपको इसमें ये सब देखने के लिए मिल जाता है। तो इसकी बैटरी अभी तक मैंने तो यहाँ पे टेस्ट नहीं की है, लेकिन मुझे इसमें बैटरी का कोई भी मेजर इशू तो देखने के लिए नहीं मिलता है। तो आप इस वाली रोम को बैटरी के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके नीचे आपको रैम एंड स्टोरेज स्पेस की बात करें तो आपको फ़ोटोज़ इस तरीके से ही लेआउट यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। तो सिक्योरिटी की बात करें तो सिक्योरिटी में आपको स्क्रीन लॉक, फिंगरप्रिंट, आपको SOS कॉल, डिवाइस एडमिन ऐप्स, इनक्रिप्शन, ऐप पिनिंग, ये सभी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलती हैं। यहाँ पे आपका कुछ भी ऐसा बड़ा कोई भी मेजर फीचर आपको देखने के लिए नहीं मिलता है। तो इसके नीचे आपको प्राइवेसी, प्राइवेसी में भी आपको ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं किए जाते हैं। लोकेशन की बात करें तो आपको लोकेशन में भी ये सभी मिलते हैं, कोई बड़ा चेंज नहीं किया गया है। अल्ट्रा गेम मोड, तो ये अल्ट्रा गेम मोड असल में आपका गेम साइड बार है, जो मैंने आपको एप्लीकेशन वहाँ से ओपन करके दिखाई थी कि आपको गेम पिक्चर इन पिक्चर, यानी कि जिससे आप फ्लोटिंग विंडो में MI के फ़ोन्स में फ्लोटिंग विंडो में भी गेम्स को प्ले कर सकते हैं। तो आपका इसमें इस वाले रूम में आपका नाम गेम पिक्चर इन पिक्चर के नाम से दिया गया है। तो शॉर्टकट्स एंड एक्सेसिबिलिटी की बात करें तो आपको इसमें स्क्रीन कैप्चर, स्मार्ट स्लिप, स्मार्ट मोशन, आपको पावर मेन्यू, ईजी टच, ये सभी आपको वन हैंडेड मोड भी इस वाली रोम में दिया जाता है। और इसके बाद बात कर लेते हैं कुछ और फीचर्स की। तो आप जब इसमें सिस्टम्स पे टैप करेंगे तो सिस्टम में आपको सिस्टम नेविगेशन, ग्लोबल सर्च, मल्टी टर्बो, ये सभी दिया गया है, फ़ोन क्लोन, रीसेट ऑप्शन, रीस्टोर डाटा, बैकअप डाटा, इसमें भी ज़्यादा बड़ा कुछ आपको चेंजेस नहीं किए जाते हैं। जब आप इसमें अबाउट फ़ोन में जाएंगे तो अबाउट फ़ोन में आप इसमें देखेंगे फन टच OS, तो आपको इसमें फन टच OS डिवाइस नेम वीवो X70 Pro Plus, तो यानी कि ये वाली जो रोम है ये यहाँ पे X70 Pro Plus वीवो के फ़ोन से Redmi Note 7S के लिए यहाँ पे पोर्ट की गई है, और इसमें हमें ये सभी यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। तो इसके बाद मैं इसमें आपको दिखा देता हूँ मेरा इसमें जो रैम है, मुझे इसमें 3GB रैम का मोबाइल है मेरा Redmi Note 7 और Redmi Note 7S यहाँ पे, और इसके साथ मेरी इसमें स्टोरेज इस तरीके से वर्क यहाँ पे करती है। मुझे इसमें स्टोरेज 32GB का यहाँ पर मिलता है। इसके साथ मुझे इसमें एंड्रॉयड वर्जन 11 का सपोर्ट है। एंड्रॉयड 12 के साथ अभी तक फन टच OS की रोम यहाँ पर सामने निकल के नहीं आई है। और इसके साथ सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन स्टेटस, कस्टमर सर्विस, आपको ये सभी यहाँ पर दिया
जाता है। तो अब बात कर लेते हैं कि आपको इसमें विजिट्स कौन कौन सी मिलती हैं। तो आपको इसमें विजिट्स ये सारी यहाँ पर देखने के लिए मिलती हैं, क्लीन एंड स्पीड, नैनो म्यूज़िक प्लेयर, स्टिकर्स, आपको इसमें वेदर, ब्राउज़र, क्लॉक, म्यूज़िक विजिट, आई विजिट, नोट्स, ये सारी विजिट्स आपको देखने के लिए मिल जाती हैं। तो मैं आपको इसमें एक विजिट यहाँ पे ऐड करके दिखा देता हूँ। तो मान लीजिए कि मैंने इसमें ये वाली विजिट यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, तो आपको सिंपली किसी एक होम स्क्रीन में इसको इस तरीके से यहाँ पर ऐड कर देना है। तो यहाँ से आपको कोई भी प्रॉब्लम देखने के लिए नहीं मिलने वाली है। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की वीडियो, यानी कि फन टच OS 12 का फुल रिव्यू, कि आपको इसमें ये सारे चेंजेस यहाँ पर दिए जाते हैं रेडमी नोट 7, रेडमी नोट 7S के लिए। और आप भी इस वाली रोम को बहुत इजीली यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। इस वाली रोम में कोई मेजर इशू मुझे तो यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिला है। तो आप इस वाली रोम को बहुत इजीली कस्टम रिकवरी से फ्लैश कर सकते हैं। और मैंने इस वाली रोम का लिंक Redmi Note 7, Redmi Note 7S के लिए अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो फिर आप उस वाली रोम को इंस्टॉल यानी कि डाउनलोड करके कस्टम रिकवरी से अपने Redmi Note 7, Redmi Note 7S में बहुत इजीली फ्लैश कर सकते हैं। आपको कोई भी प्रॉब्लम देखने के लिए नहीं मिलने वाली है। तो यही थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप एक वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप मेरे वाडी चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और शेयर भी कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही।